आपके गुरु आपको शिक्षा और दीक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आपको जीवन दान भी दे सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है फेसबुक की एक पोस्ट से। एक परिवार अपनी बेटी जो कि किडनी के रोग से परेशान है, उसका नाम लायला है, बहुत जद्दोजहद करते हैं कि कहीं से उसे डोनर मिल जाए, नहीं मिला। जब लायला की टीचर बैथ को यह पता चला तो वह उसकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लायला की हालत इतनी खराब है कि हर 12 घंटे में उसे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है और एक दिन अगर रुक जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तब बैथ यानी उसकी गुरु, उसकी टीचर ने डिसीजन लिया कि वो अपनी किडनी डोनेट करेगी अपने स्टूडेंट को। इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क किया, सब चेकअप किया और डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि यस, हम बैथ की किडनी को इस लायला के लिए जोड़ सकते हैं। और सर्जरी के बाद बैथ की किडनी लायला को लगा दी गई। उसके बाद लायला की बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रही है। बैथ कहती है कि वो लायला को अच्छा फ्यूचर, एक हेल्दी हैप्पी एक नॉर्मल फ्यूचर देना चाहती थी। अपनी जिम्मेदारी को निभाया और एक बच्चे को इतना बड़ा जीवन दान दिया। बैथ आज के समय में और भी ऐसे कई काम कर रही है। क्या आपके पास ऐसे कोई गुरु हैं, ऐसे कोई जानकार लोग हैं जो अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को अपनी किडनी डोनेट कर दे? शायद ही मिलेंगे। लेकिन आपको हमेशा के लिए ये ध्यान होना चाहिए, क्या सीख मिलती है इससे, कि अपने टीचर का, अपने गुरु का हमेशा सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके मार्गदर्शन से हो सकता है कि देर से सही लेकिन तरक्की अवश्य मिलेगी। इसीलिए 23 जुलाई को हम मनाने जा रहे हैं गुरु और शिष्य की परंपरा का गुरु पूर्णिमा महोत्सव। आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 20 जुलाई मंगलवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, आज देव शयनी एकादशी है, यानी आज से 4 महीने के लिए श्री हरि विष्णु सो जाएंगे, तो शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होंगे। लेकिन आप विशेष उपाय करके, हर राशि के अंत में एक विशेष उपाय आज बताऊंगा जिसे करके आप इस देव शयनी एकादशी में पुण्य कमा सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों के चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग के बारे में। देव शनि एकादशी है तो पता ही आपको, आज ही शाम को 7:17 तक एकादशी और बाद में द्वादशी रहेगी। आज रात को ही 8:32 तक अनुराधा और बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज भी कल की ही तरह ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि योग तो मिलेगा, लेकिन आज शाम को 5:54 तक पराक्रम और बाद में शुक्ल योग बन जाएगा। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग, मिथुन, कन्या, धनु और मीन अगर आपकी राशि है तो भद्र योग का लाभ मिलेगा। वहीं आज चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष रहेगा क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के रहेंगे। आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है, इसके पीछे कुछ कारण है। पहले तो राहु काल नोट करें, दोपहर को 3 से 4:30 तक और सुबह सुबह 8:39 के पहले तो कोई मुहूर्त है नहीं और 8:39 से लेकर शाम को 7:17 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी, तो वैसे भी समय नहीं है। आज शाम को 5:54 के बाद मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, इसका हमने एक विशेष एपिसोड बताया है जिसे हम आज के कार्यक्रम में लिंक में शेयर कर रहे हैं, आप इसे जरूर देखिए। प्रिय साथियों, आज जब आप 6 राशि तक का राशिफल देख लेंगे तो एक विशेष उपाय बताऊंगा कि परिवार में तनाव और वाद विवाद को कैसे एकादशी के दिन हम शांति में परिवर्तित कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि गुरु दीक्षा का क्या है महत्व, इसका जवाब मैं आज कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। शादीशुदा लोगों को ससुराल से तनाव हो सकता है या फिर परिवार से कोई तनाव हो सकता है। जिन लोगों से आपकी बनती नहीं है, जबरदस्ती उनसे उलझने की कोशिश नहीं करें। जो लोग किसी भी प्रकार का टिफिन सर्विस देते हैं, खाने पीने की सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स है, अप्स एंड डाउन हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आज डाउन की सिचुएशन बन सकती है, कोई झगड़ा फसाद हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स यानी जो हमारे कलीग हैं, किसी भी तरह के डिबेट को बतंगड़ में बनने से रोकिए। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी भी बतंगड़ का रूप नहीं लेगी। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब की कतार में आज खड़ा रहना पड़ेगा, डाइजेशन की समस्या परेशान करेगी, इसलिए समय पर और सही खान पान का चयन करें। 8th हाउस में चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष, यात्रा में तकलीफ, चोट, एक्सीडेंट, गलत चीज खरीद लेंगे,
और सोशल लेवल पर आपका ट्वीट, आपकी पोस्ट, आपका स्टेटस कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के लिखिए। फैमिली में आपका शांत रहना ही आपके लिए आज फायदेमंद रहेगा, वरना किसी बात पर बड़ी मुसीबत आ सकती है और फाइनेंस की भी आ सकती है। मेडिकल स्टूडेंट, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट के लिए समय आज सही नहीं है, इसके बाहर ना जाएं, गॉसिपिंग में ना पड़ें, सिर्फ अपने काम को करें जो भविष्य में उनके लिए हानिकारक न हो, उसके लिए आज ध्यान दें। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी की माला चढ़ाने चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु को तुलसी की माला नहीं चढ़ा पाए तो पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें और उनसे भगवान विष्णु का पूजन करें, और ऐसा करने से आपको आपके जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। लकी कलर ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, शादीशुदा है तो पति पत्नी, नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाएं, मन भेद और मतभेद को हटाएं। जो किसी भी प्रकार का डिजाइन का काम करते हैं, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर हो, एक्सटीरियर डिजाइनर हो, फैशन डिजाइनर हो, मल्टीमीडिया क्रिएटिविटी का कोई काम करते हैं, उनके बिजनेस जॉब में नए क्लाइंट मिलेंगे, इजाफा होगा। वर्क प्लेस पर बॉस के द्वारा आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी और पीठ पीछे भी तारीफ की जाएगी। प्रॉफिट हाउस में देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग, जिससे मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उनको प्रॉफिट हाथ लगेगा, नए क्लाइंट बनेंगे। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन स्पाइसी फूड और रॉन्ग टाइम पर खाने खाने की वजह से होगा। डायबिटिक लोगों को और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। लव लाइफ और रिलेशनशिप में बात करते समय अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें और हो सके तो शब्द संभल कर बोलिए। शब्द के न हाथ न पांव, एक शब्द में औषधि और एक शब्द में घाव, इस पर ध्यान दीजिए। फैमिली मेंबर बिना कुछ कहे ही आपको अच्छे से समझ जाएंगे। जो लोग रिसर्च करके डेवलपमेंट करते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं, जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, आज अप्लाई करना शुभ रहेगा। देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर जिन स्टूडेंट को या जो भी काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार के काम में तकलीफ आ रही है, वह विद्यार्थी, वह एम्प्लॉय विद्यादात्री यंत्र को भगवान विष्णु के चरणों में रखकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें, और ऐसा करने से आपका मन एकाग्र होगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा और काम में लगेगा। लकी कलर ब्राउन, नंबर 1 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, आपको यह पहचानना होगा कि आपके दुश्मन कौन है। अज्ञात और ज्ञात दो तरह के दुश्मन होते हैं, आप इन्हें पहचान कर अपना और अपनों का सुरक्षा चक्र बनाइए ताकि सुरक्षा में कोई सेंध न मार सके। मार्केट में आपकी परफॉर्मेंस की ही चर्चा होगी जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा होगा, साथ ही आपको कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल जरूर होते हैं। जॉब कर रहे पर्सन्स को नई जॉब के ऑफर और नए प्रपोजल मिल सकते हैं, और याद रखिए प्रोफेशनल ट्रेवल भी आज आपका हो सकता है, इसलिए ट्रेवल में बिजनेस विद प्लेजर हो, पूरा ऑर्गेनाइज करें फिर आगे बढ़ें। सिक्स हाउस में ग्रहण दोष आपके कर्जे को बढ़ा सकता है, आपके खर्चे को बढ़ा सकता है, आपके जॉइंट पेन को बढ़ा सकता है और दुश्मनी बढ़ा सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। पेरेंट्स का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बनते हुए काम जो बिगड़ रहे हैं उसको बनाने में मदद करेंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिहाज से आज संबंध शानदार है, इसलिए आज आप प्यार, इश्क और मोहब्बत की गंगा बहाइए। IIT, पॉलिटेक्निक, किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के लिए आज मेहनत और स्मार्ट स्टडी करके बड़े रिजल्ट प्राप्त करने का है। देवशयनी एकादशी पर जिन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी आ रही है, वे लोग देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक लगातार भगवान विष्णु जी के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करके या उसे सुन के काम पर निकलिए, काम बनेंगे। लकी कलर रेड, नंबर 8 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, आज कुछ अचानक से परिवर्तन हो जाएंगे, आकस्मिक धन लाभ भी संभव है। शेयर मार्केट, वायदा बाजार में पैसा लगाना और जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और पॉजिटिव सोच ही आपको ऊपर लेके जाएगी। और याद रखिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप हर कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेते हैं। आपके भाग्य में चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, जिससे आपके वर्क प्लेस पर वर्क प्रेशर को आप अच्छे ढंग से हैंडल कर लेंगे और एक्स्ट्रा और एडवांस में काम भी कर लेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लान करने की जरूरत है। ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, सुनिए, देखिए जिन लोगों ने कठिन समय में से निकलकर कुछ पाया है। ड्राइव करते समय बहुत ध्यान दें, चोट दुर्घटना की संभावना ज्यादा है। परिवार के साथ स्पिरिचुअल ट्रेवल भी संभव है, यानी कोई धार्मिक यात्राएं हो सकती है, मॉनसून का आनंद उठाया जा सकता है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिहाज से मौज मस्ती में दिन गुजरेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर स्टूडेंट के लिए
कई सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज अब आने वाली है। पढ़ाई के साथ जॉब, जॉब के साथ पढ़ाई के नए अवसर मिलेंगे। आज कुछ न कुछ रिसर्च करिए, अप्लाई करिए, ढूंढिए। देव शनि एकादशी के पावन अवसर पर जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कर्ज बढ़ रहा है, खर्च और कर्ज जो कि कम होने का नाम नहीं लेते और आमदनी है कि बढ़ती नहीं, तो धन लाभ के लिए ऐसे लोगों को देव शनि एकादशी के दिन 5 पीले रंग की कौड़ियां लेकर भगवान विष्णु जी को अर्पित करें और फिर पूजा करने के बाद, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद, तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करने के बाद कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या जहां पर हम गहने या इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं वहां रखने चाहिए। लकी कलर सिल्वर, नंबर 4 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, जमीन जायदाद के मामले सुलझेंगे, चाहे वो स्व उपार्जित हो या फिर पैतृक इनहेरिटेंस हो, उस संपत्ति के मामले सुलझेंगे। अगर संभव हो तो आज जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त, डॉक्यूमेंटेशन, रेनोवेशन की तरफ ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप बिजनेस में आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करें। MOU एंड डॉक्यूमेंट या किसी हस्ताक्षर करते समय किसी पेपर पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना गैरों से सतर्क रहते हो उतना ही अपनों से सतर्क रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा अपने ही देते हैं, यही जीवन की सच्चाई भी है। वर्क प्लेस पर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि बेकार की बहस और गुस्से के कारण आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और आपको आर्थिक रूप से नुकसान भी हो सकता है। आपको पैसे कमाने के नए मौके मिलेंगे, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज का प्रॉपर वे से फायदा नहीं उठा पाएंगे। हार्ट, डायबिटिक और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए आज तकलीफ वाला दिन है, बहुत ध्यान रखिए। 4th हाउस में चंद्र केतु का ग्रहण दोष बन रहा है, जिससे फैमिली में शांति का माहौल आपको बनाना पड़ेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिहाज से बातचीत के दौरान पेशेंस रखें, नहीं तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे लोग जो कि बैंकिंग, फाइनेंस, IT प्रोफेशनल्स लोग हैं, हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनका ट्रेनिंग होना जरूरी है। और कुछ न कुछ एम अपना रखिए ताकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जा सके। आज देव शनि एकादशी के पावन अवसर पर श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और साथ ही दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के थोड़ा सा चंदन डालकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ साथ में करिए, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। और आप अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो अब उसमें छुटकारा मिल जाएगा। लकी कलर मैरून, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन हो, आज बॉन्डिंग मजबूत करिए, एकता दिखाइए ताकि खुशी के पलों को एंजॉय किया जा सके। बिजनेस हाउस से नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जिससे ऑनलाइन हो या ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऐप डेवलपर हैं, वेब डेवलपर हैं, ऐसे लोग जो अच्छा खासा मुनाफा हाथ लगते लगते रह गए हैं, उनको आज नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आगे बढ़िए और वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम को दूर करते हुए आप अपने वर्क को कंप्लीट करिए, हर काम में डेडलाइन तय करिए। बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान होते हैं, इसीलिए जिंदगी की समस्याओं से परेशान भी रहते हैं। पर्याप्त संसाधन यानी जो रिसोर्सेज आपके पास है, उसके होने पर भी कई बार हम काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोगों के पास फैसिलिटी नहीं होती फिर भी बड़ा काम कर लेते हैं। हल्का फीवर और गले पे खराश हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे स्टूडेंट को, अथक प्रयासों से सफलता मिलेगी। लाइफ पार्टनर से दिल खुश करने वाली बात सुनने का मौका मिलेगा। लव पार्टनर के साथ आप हसीन पल गुजारेंगे, कुछ पुरानी यादों को संजोएंगे। देव शनि एकादशी पर आपका स्वास्थ्य अगर खराब है, मानसिक और शारीरिक रूप से, और इलाज कराकर थक गए हैं, तो आपको 1.25 किलो 7 प्रकार के अनाज और वस्त्र आज डोनेट करने चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए 11 मिनट तक। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, आपको पुण्य और सफलता जरूर मिलेगी रोग मुक्ति में। लकी कलर पर्पल, नंबर 2 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, 6 राशि के बाद परिवार में तनाव और वाद विवाद को दूर करने के लिए देव शनि एकादशी पर विशेष उपाय करिए। स्नान आदि कार्यों से आज निवृत्त हो जाएं और फिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाएं, साथ में चमेली के तेल के 5 दीपक दोनों मंदिर में जलाएं। वहीं पर बैठकर आप हनुमान जी मंदिर में सुंदरकांड का और विष्णु जी के मंदिर में जाकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये सब जाकर नहीं कर सकते, अपने ही घर में कर सकते हैं। और अगर जाते हैं तो आते वक्त गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। घर में सुबह शाम कपूर जलाइए और पूरे घर में उस धुएं को आप हर जगह चला जाए धुआं, ऐसी व्यवस्था करें। दिन में एक बार चांदी के गिलास में पानी पिए। घर से निकलते समय माता पिता के चरण स्पर्श करिए, आपके घर के वाद विवाद और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तुला राशि, आज अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बंधुओं से, जिनसे आपका पैतृक संपत्ति से कोई वास्ता हो, उनसे बात करिए, मसले को हल करिए। हार्ड वर्क के साथ साथ
अगर आप स्मार्ट वर्क आज करते हो तो आज का दिन आपके लिए यादगार और शानदार हो सकता है। आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उन लोगों से जरूर मिलें जिन्होंने तकलीफों से निकलकर कुछ न कुछ स्पेशल पाया है, इसी से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। दिन आपके मुताबिक गुजरेगा और जिससे आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आपके सेकंड हाउस में चंद्र केतु का ग्रहण दोष बन रहा है जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए दिन जोखिम भरा है, बहुत सोच समझ के काम करें। गैस, एसिडिटी, कब्ज, जलन से सर में दर्द और एक इरिटेशन होगा, इसलिए जंक फूड से दूरी बनाएं। बिजनेस में से कुछ समय निकालकर आप परिवार के साथ वक्त रहते वक्त दीजिए, बहुत आनंद मिलेगा। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं हैं लेकिन उनमें से परिवार सबसे मूल्यवान होता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जो लोग मेडिकल की या किसी एंट्रेंस एग्जाम की या फिर वाइवा की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। देव शनि एकादशी के पावन अवसर पर जिन लोगों को नौकरी में परेशानी आ रही, मिलने में या मिली है तो उसमें तकलीफ आ रही है, तो ऐसे लोगों को शाम के समय में तुलसी की माला लीजिए और भगवान विष्णु जी के आगे और या फिर तुलसी का जो पौधा है उसी के आगे घी का दीपक जलाइए और माँ तुलसी से अच्छी नौकरी की प्रार्थना करिए। एक मिनट का ध्यान करिए, आनंद आ जाएगा। लकी कलर ग्रीन, नंबर 9 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, मन चंगा कटौती में गंगा, तो आज मन को शांत रखिए और जितना आप मौन रहकर किसी को जवाब दे पाएंगे उतना अच्छा जवाब बोलकर नहीं दिया जा सकता है। जो लोग डोमेन बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने वाले लोगों के लिए आज प्रॉफिट हाथ लगेगा। आईटी प्रोफेशनल के लिए ग्रोथ का समय है। स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क से वर्क प्लेस पर हायर पोस्ट आपको मिल सकती है। प्रॉपर्टी और नई जमीन, नया घर खरीदने का मौका और उसकी प्लानिंग हो सकती है। कमर दर्द और लोअर बैक में तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा जिससे आपके कार्य आगे बढ़ेंगे, दोनों मिलकर प्रोफेशनली काम कर पाएंगे। फैमिली का हर मेंबर आपके लिए हर मोड़ पर मजबूती से खड़ा रहे, इसके लिए आपको भी हर मोड़ पर खड़े रहना पड़ेगा। हजारों फेसबुक दोस्त और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होने के बावजूद भी इंसान को अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो आईसीयू के बाहर उतने सारे लोग नहीं आते, पत्नी, माँ बाप, भाई बहन और बच्चे ही खड़े होंगे जिनके लिए कभी भी आपके पास समय नहीं होता है। काल्पनिक दुनिया में से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए, आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में साथ देगा। चंद्रमा का शिक्षा भाव से यानी फिफ्थ हाउस से नवम पंचम राजयोग बन रहा है जिससे हायर स्टडी, ऐसे लोग जो संतान सुख की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने लव पार्टनर साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज बहुत शानदार दिन है। बिजी भी रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। देव शनि एकादशी के पावन अवसर पर जो लोग अपने घर में सुख और शांति का अनुभव नहीं करते हैं उनके लिए घर में हमेशा कलह की स्थिति ही बनी रहती है, तो भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 मिनट तक जाप करना चाहिए और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ रहेगा। लकी कलर येलो, नंबर 8 शुभ रहेंगे। धनुराशि, नए संपर्क बनेंगे। अपनी डायरी निकालिए, मोबाइल में से कॉन्टैक्ट निकालिए, जिन लोगों से आपके संपर्क कई जमाने में या कोई जमाने बहुत अच्छे थे आज उनसे वापस कॉन्टैक्ट करिए। होटल, मोटेल, फूड एंड बेवरेजेस, रेस्टोरेंट, ऐसे लोग जो किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है, आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। आपको धीरज, धैर्य और संयम रखना पड़ेगा और नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। धैर्य एक कड़वा वृक्ष है परंतु इस पर फल सदैव मीठे लगेंगे, अपने अंदर धैर्य का बीज बोएं, समय आने पर मीठे फल खाने को मिलेंगे। वर्क प्लेस पर काम में आ रही लेट लतीफी, तकलीफी, आलस्य आपको तकलीफ देगा और बॉस की डांट सुनने को मिलेगी, सो अलग। देवगुरु बृहस्पति का शिक्षा भाव से षडाष्टक दोष बन रहा है जिससे स्टूडेंट को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। गॉसिपिंग, सोशल मीडिया पर एक्स्ट्रा जो टाइम आप दे रहे हैं उससे बचना चाहिए और ध्यान रखिए कि अपने समय को आपको कैसे सदुपयोग करना है। इन्वेस्टमेंट का विचार आज त्याग दीजिए, अगर आप करना ही चाहते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च, किसी से सलाह लेकर नहीं खुद रिसर्च करके करिए। आंखों में जलन और गले में इन्फेक्शन हो सकता है। परिवार में पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे तो ही अच्छा रहेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में ट्रस्ट की कमी है और अविश्वास शक में तब्दील हो रहा है, इससे बचिए, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। देवशनि एकादशी पर जो लोग अपने शत्रुओं के कारण परेशान है उन्हें भगवान विष्णु जी को पीले पुष्पों की जो माला चढ़ानी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और खीर में तुलसी मिलाकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाइए और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करिए, आनंद मिलेगा। लकी कलर व्हाइट, नंबर 4 शुभ रहेंगे। मकर राशि, आमदनी कैसे बढ़े, खर्च और कर्ज कैसे कम हो, एटलीस्ट हम पैसे से पैसा भी किसी तरीके से कमा सकें, सेविंग तो कम से कम कर ही लें,
इसके बारे में सोचिए। व्यापार भाव से चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, नए लोगों को जोड़िए व्यापार में और नई चीजें निकालकर अप्लाई करिए, थोड़ा जोखिम लिया जा सकता है, जिससे बिजनेस में आपको शाम तक कुछ अच्छी जो अपॉर्चुनिटी मिल सके, कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सके। अपनी कला को निखारिए, टाइम मत वेस्ट करिए गॉसिपिंग में। वर्क प्लेस पर आपकी एबिलिटी को देखते हुए आपको न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती है। जीवन में दो विकल्प होते हैं, स्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करना जैसी वो है, या उन्हें बदलने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेकर उसे स्वीकार करना। या तो लेट गो कर दीजिए या लेट्स गो करिए। इनकम के नए सोर्स आपको प्राप्त हो गए और जीवन में आनंद बढ़ेगा। प्रोफेशनल ट्रैवलिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिहाज से टाइम अच्छा है और कुछ नया सीखने को मिलेगा। परिवार में किसी व्यक्ति विशेष के साथ मनभेद और मतभेद की स्थिति दूर होगी। बीटेक, एमटेक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट को करियर के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। देव शनि एकादशी पर जिन स्त्रियों को वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनके वैवाहिक जीवन में कलह आज हो सकता है। सुहागन स्त्रियों को फलाहार का भोजन कराएं और सुहाग की वस्तुएं भेंट करिए। लकी कलर रेड, नंबर वन शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, यूट्यूबर जो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, राजनीतिक लोग, जो लोग कहीं ना कहीं मार्केट में रहते हैं, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आज उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। मार्केट में किसी प्रकार की हो रही अनबन आपकी स्मार्ट थिंकिंग और इंटेलिजेंस पर पानी फेर देगी, लेकिन आपकी स्मार्ट इंटेलिजेंस और मार्केट सर्वे करके अगर आप कुछ निकाल पाते हैं तो आपके लिए अच्छा दिन है। साथ ही समय के साथ बदलाव की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। वर्क प्लेस पर आपकी प्रोग्रेस पॉसिबल है। बॉस आपके ऊपर जिम्मेदारी और डालने वाले और पूरे तरीके से मेहरबान हो जाएंगे। आपके काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएं, इसके लिए आपको ही आज कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। और जब तक काम पूरे ना हो तब तक आपको चुप रहना चाहिए, वरना आपको ही आपकी नजर लग जाएगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टूडेंट हार्डवर्क से आज अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिहाज से सीरियस मैटर के सोल्यूशन के बारे में बातचीत करिए। सेकेंड हाउस में चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जिससे परिवार में आप किसी के लिए कोई कॉस्टली गिफ्ट परचेज करने वाले हैं। शुगर लेवल को लेकर हार्ट के मरीज को आज हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। देव शनि एकादशी पर जो लोग संतान सुख से वंचित हैं या उनकी संतान उनकी बात नहीं सुनती है, तो श्रीमद भगवत कथा का पाठ करें या सुनना चाहिए। और इसके अलावा चातुर्मास के सभी महीनों में विशेषकर गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 मिनट जाप करिए। लकी कलर ब्राउन, नंबर 7 शुभ रहेंगे। मीन राशि, भाग्य चमकेगा, आशीर्वाद मिलेगा, काम को नए सिरे से करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन बिजनेस में फॉरेन क्लाइंट और प्रॉफिट प्राप्त होगा। अपनी काबिलियत को आप मनवाइए, अपनी काबिलियत दिखाइए। वर्क प्लेस पर बैक बाइटिंग, लोग पीठ पीछे वाले बुराई करते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से आप सफल होंगे। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। और नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो धर्म की प्रीमियम भरते रहिए और अच्छे कर्म का बोनस पाते रहिए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर जांच करने के बाद ही इन्वेस्ट करना और साइन करना शुभ रहेगा। सोशल मीडिया पर आपके फैन फॉलोइंग में इजाफा होगा, अच्छी पोस्ट, अच्छे स्टेटस, अच्छे ट्वीट आपको लाभ देंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिहाज से ट्रैवल की प्लानिंग आज हो सकती है। और फैमिली के या फैमिली में सभी के साथ आपके मधुर संबंध हो, इसके लिए आज छोटा या बड़ा त्याग करना पड़ेगा। शिक्षा भाव से यानी फिफ्थ हाउस से नवम पंचम राजयोग चंद्रमा बना रहे हैं, जिससे MBA और स्पेशली जो लोग रिसर्चर हैं, PhD कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा दिन है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा दिन है और लव पार्टनर से प्यार की बातें करने के लिए अच्छा दिन है। देव शनि एकादशी के पावन अवसर पर जो लोग कर्ज से परेशान हैं, कई कोशिशों के बावजूद भी कर्ज और खर्च में छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आज उन्हें पीपल के पेड़ को जल अवश्य देना चाहिए और इसी के साथ पीपल के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। लकी कलर स्काई ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेंगे। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या है गुरु दीक्षा का महत्व। गुरु द्वारा दीक्षित साधक को ऐसे अवसरों में कोई भय नहीं रहता है, कारण कि दीक्षा के समय गुरु उसे पूर्णतया सबल बना देते हैं। वैसे भी गुरु की कृपा छाया की भांति साधक की रक्षा करती है, इसलिए गुरु द्वारा दी गई शिक्षा और दीक्षा ज्ञान विद्या ही मनुष्य के भविष्य की आशा होती है और उसी के संबल से वह अपने जीवन को संवारता है। आप फर्ज करो कि आपने पूरी पढ़ाई कर ली तो फिर आपको कभी डर नहीं लगेगा,
जब आपको गाड़ी अच्छे ढंग से चलाने आती है तो आपको ट्रैवल करने में, ड्राइव करने में डर नहीं लगेगा। डर उससे लगेगा जिससे आधी आधी अधूरी शिक्षा लिए, आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करी है। इसलिए गुरु दीक्षा आपको अगले स्टेप तक जाने के लिए एक प्रकार का टूल है। दीक्षा जीवन की परिपूर्णता का सर्वोच्च शिखर है। पूर्णता है, श्रेष्ठता है, दिव्यता है, तेजस्विता है और जीवन को अद्वितीय बनाने का सफल प्रयास भी है। आप किसी मंदिर में जाएं, भगवान से आपके साक्षात्कार हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, आप याद करिए वहां पर पंडित जी नहीं है, कोई आपको चरणामृत देने वाला नहीं है, कोई भी आपके लिए मंत्र पूजा पाठ करने वाला नहीं है, आपकी वह यात्रा भगवान की अधूरी रहेगी। आप जाइए स्कूल में, वहां पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, टीचर ही नहीं है तो शिक्षा कैसे प्राप्त करोगे। तो गुरु वह बीच का एक माध्यम है जो आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। इसके लिए दीक्षा लेने के बाद ही आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसलिए दीक्षा जीवन का मूल मंत्र है, जीवन की आधारशिला है और जीवन को प्रभु की तरफ से दिया गया एक वरदान है, क्योंकि दीक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सही अर्थों में दक्ष होता है, होशियार होता है, पूर्णता प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है, दिव्यता तथा चैतन्यता प्राप्त करता है और सर्वोच्च शिखर को प्राप्त एक दिन कर ही लेता है। इसलिए 23 जुलाई को हम मना रहे हैं गुरु पूर्णिमा अवसर, जिस पर आप भी प्राप्त कर सकते हैं गुरु दीक्षा और गुरु पूजन में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूर्ण रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। अब एक सवाल के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूं, क्यों है गुरु की हमें आवश्यकता? इस पर आप रिसर्च करिए, मैं इसका जवाब कल कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आज के लेता हूं, स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहकर दिन गुजारिए। आने वाले फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मैं टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध रहूंगा। अगर आपने अपॉइंटमेंट लिया है तो बहुत अच्छा, और लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके दीपा जी, शिव जी और कुलदीप जी से बात करके आप अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।